जाओ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम खजाना लेकर ही वापस आओगे। जी बाबा, इस बार शेरा खाली हाथ वापस नहीं आएगी। लेकिन बहुत ही सावधानी और होशियारी से काम लेना होगा। जो खजाना इतने सालों से सुरक्षित है, उस तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं होगा। अपने आंख और कान हमेशा खुले रखना, किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें बाबा, शेरा को कुछ नहीं होगा। बाबा, चलती हूँ बाबा। शेरा, मैं सोच रहा था कि नारनियागढ़ कला भवन तक तुम्हें मैं खुद छोड़ आऊं तो। पर बाबा, शेरा इतना तो कर लेने दो अपने बाबा को। बेटा, तुम्हें ना जाने कितने दिन लग जाएं। हमारा रास्ता क्यों रोका है? हमारे गांव में एक लड़की है जिसके माता पिता और भाई पिछले साल आई बाढ़ में मारे गए। तब से वो बेचारी राजकुमार वीर को अपना भाई मानती है। उसे बड़ी आस है कि राज विद्या आश्रम जाने से पहले उसे राजकुमार वीर के हाथों में राखी बांधने का एक मौका दिया जाए।